हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने पेटीएम से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसों को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कैसे भेज सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरी पेटीएम की सीरीज़ नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके पेटीएम से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं उन्हें देखकर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपको सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है सेंड मनी टू बैंक अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, टू सेल्फ अकाउंट, अपने अकाउंट में भेज सकते हैं, स्कैन यूपीआई क्यूआर, टू ए बैंक अकाउंट, हमें बैंक अकाउंट में भेजने हैं किसी और के तो हम इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र एंटर नेम एंटर डाल के भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी डाल के भी कर सकते हैं किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अभी टू ए बैंक अकाउंट में करने हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बोल रहा है एंटर बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पे जो बैंक आपके ऐड हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो पेमेंट होगी यहाँ पेटीएम से वो आपके पेटीएम पेमेंट बैंक से होगी। तो पेटीएम से पेटीएम पेमेंट बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया हुआ है, आप उन्हें जाके ईज़िली देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले पेटीएम पेमेंट बैंक में अपने पैसों को ट्रांसफ़र करना होगा, उसके बाद ही आप अपने बैंक अकाउंट या किसी के भी बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर बैंक अकाउंट नंबर करना है। यहाँ पे आप जैसे ही कुछ भी एंटर करेंगे अपना बैंक अकाउंट तो यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, अपना IFSC कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो रहने दें। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम डालना है आपको यहाँ पे, जो उस अकाउंट से लिंक है, जिस जो नाम उस आपने उस अकाउंट में दिया हुआ है या उसने उस अकाउंट में जो नाम दिया हुआ है वो नाम यहाँ पे डालना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे अमाउंट पूछेगा, मैं आपको बैक करके यहाँ पे इसी अपने जो मैंने अकाउंट ऐड किया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप ऐसे आएगा, जब आप उसे सारी डिटेल्स डाल देंगे उसके बाद आपसे ये ऐसे अमाउंट पूछेगा, जैसे मैं यहाँ पे 10 रुपीज़ डालता हूँ। और आपको इस एक चीज़ और बता दूँ, इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा ट्रांसफ़र करने के लिए, 0% होता है। जैसे आप 10 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कितने भी कर रहे हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं कटेगा उसमें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक और यहाँ पर प्लस न्यू बैंक अकाउंट, मतलब या तो आप किसी और बैंक से यहाँ पे ऐड करके उससे पैसे भेज सकते हैं या फिर आप पेटीएम पेमेंट बैंक से भेज सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपको पेटीएम से जो भी पैसे आपके पेटीएम में पड़े हैं उसको आपको पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र कर लेने हैं और फिर भेजने हैं। उसके बाद आप जैसे ही प्ले पे क्लिक करेंगे आपको OTP आएगा और उसे फिल करते ही आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने पेटीएम से किसी भी बैंक अकाउंट में या अपने बैंक अकाउंट में पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।